आप सबका मिडनाइट सेशन में स्वागत करती हूँ। भाई अभी गणेश जी अभी अभी पधारे हैं, मतलब अभी विसर्जन हुआ है, लेकिन मोदक बहुत खाए हैं। लेकिन ऐसा मतलब श्रावण महीना भी गया है, जैसे कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है और गणेश जी की याद भी आती है। तो मिडनाइट सेशन में मतलब जैसे खाना हो गया है, फटाफट कुछ मीठा खाने की इच्छा हो गई, तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने आज पातोली बनाई है, कुछ मेरे पास गणेश जी के साथ जो नारियल थे उससे मैंने बनाया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है भैया मोदक से। तो सबसे पहले उसका स्टफिंग कर लेते कैसे और फटाफट बनने वाली चीज है। देखिए ये मैंने लिया है और इसमें मैं लेती हूँ 1 टेबलस्पून घी, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है मैंने, और अब इसमें मैं देती हूँ 1/2 कप मेरे पास नारियल है वो। लेकिन इसके पहले मैंने कुछ इलायची की पाउडर भी ली है, इलायची भी ली है, लेकिन कुछ ये देखिए ये कुछ इलायची के दाने। ये घी में ना अरोमा ऑल ओवर फैलता है, तो वो कुछ ले रही हूँ मैं, और इसको घी में थोड़ा सा होने देते हैं, बिल्कुल 2-4 जो इसके बाप। देखिए घी के साथ गर्म होके थोड़े फूल रहे है ना, इसका अरोमा ऑल ओवर। अब ये मैंने 1/2 कप लिया है कद्दूकस करके गीला नारियल, आप सूखा भी ले सकते हैं। तो मिस्टर जरीवाला बोल रहे हैं, हेलो। हेलो जरीवाला, आप कैसे हैं? और राजिया जी बोल रही है, हेलो मैम, काफी समय के बाद आपको देख रही हूँ। हाँ राजिया जी, बहुत समय के बाद आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आती हूँ, मतलब मीटिंग सेशन करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, तो हफ्ते में एक बार तो कम से कम। और अभी नवरात्रि में मैंने पूरी एक सीरीज ली है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे पकवान देखेंगे। तो आज कुछ मिडनाइट सेशन में कुछ हल्का सा फटाफट बनने वाला ये, और नारियल ना जैसे सावन का महीना चला जाता है, हमारे यहाँ गणपति गौरी होती है, तो बहुत नारियल ना जैसे बचता है, तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें नारियल लिया है, गीला है, उसका जो ब्लैक हिस्सा रहता है ना गीले नारियल का, वो निकाला है और ये कद्दूकस कर लिया है। मैंने 1/2 कप ये लिया है नारियल का, गीले नारियल का, तो मैंने ये 1/4 कप यानी उससे 1/2 ये गुड़ ले रही हूँ, और इसी के साथ इसको भी थोड़ा सा लेती हूँ और इसको हम लोग पकाएंगे। ये देखिए ये गुड़ जो है जल्दी से पिघल जाए, इसलिए मैंने काट के लिया था। आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आपको मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से, लेकिन ना मेरे हिसाब से 1/2 सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन कई बार हम लोग बच्चों के लिए भी बनाते हैं तो उनको मीठा अच्छा लगता है, ऐसे में आप थोड़ा सा ले सकते हैं। ये देखिए गुड़ धीरे धीरे पिघल जाएगा। दूसरी तरफ ना मैं थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ, हालांकि मैंने थोड़ा गर्म करके रखा था, और ये देखिए पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ इसमें, और यहाँ पे मैंने एक छन्नी रखी है और नीचे पानी रखा है, तो ये तब तक गर्म हो जाएगा, साथ साथ में हम लोग ये पकाएंगे। आप आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर पे भी कर सकते हैं। देखिए ये मैंने धीमी आंच पे कर रही हूँ ताकि ना जले नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो जो आप डालना चाहें। मेरे पास ये भुनी हुई खसखस यानी पॉपी सीड है, तो वो थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसमें। ये मोदक में ना नारियल गुड़ और ये खसखस ड्राई फ्रूट, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आराधना जी बोलिए, ब्यूटीफुल लुकिंग मैम, आई ऑलवेज लव योर रेसिपी। थैंक यू वेरी मच आराधना जी, आराधना जी सॉरी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग
जब जुड़ते हैं और मेरी एक फैमिली बन गए है, तो मुझे भी राहत रहती है कि आप इस सेशन में आए हैं, उस कौन कौन आया है, तो मुझे भी सबके नाम और मैं सबका वेट करती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच आराधना जी और राजिया जी। देखिए ये जैसे पहले पतला हो गया था, अब धीरे धीरे 2-3 मिनट में क्या होता है, थोड़ा सा फिर से वो पक जाता है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। आप चाहो तो जो ड्राई फ्रूट्स मैंने इलायची पहले ही डाला है, तो ये ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए थोड़ा सा गुड़ जैसे पतला हो गया था, फिर पक भी गया है, तो ये मैं बाजू में रखती हूँ और इसको हम लोग ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है ताकि स्टीम आ जाए, और तक यहाँ इसमें गर्म रख देती हूँ और ये ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और क्या करेंगे अब, मैं एक चीज आपको बताना चाहती कि जो उसका कवर है ना वो कैसे बनाते हैं। मोदक जैसा ही बनता है, तो वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको और कुछ बना के भी दिखाऊंगी। चलिए ये हटा देती हूँ, इसमें आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉफी सिरप डाला है और थोड़ा ठंडा करने के लिए कर दिया है। चलिए अब मैं दूसरी कढ़ाई लेती हूँ और गैस मैंने बंद कर दिया था, अब ऑन करती हूँ। देखिए इसमें मैंने ये कटोरी से एक कटोरी पानी लिया। ये मेजरमेंट हमेशा याद रखिए, कोई भी एक कटोरी। तो ये पानी मैंने यहाँ गर्म करने के लिए डाल दिया है। इसी कटोरी से सेम यही कटोरी मैंने यूज की है। और ये जो है चावल का आटा, चावल मैंने धोए हैं, सुखाए, और मैंने एक किलो 1 केजी मेरे घर में रहते हैं कि वो चावल का मैं आटा बना के रखती हूँ। तो वही सिंपल वाला चावल लिया है, जिसमें आप कोई भी, जिसमें सुगंध अच्छी हो वो भी ले सकते हैं, जिसमें सुगंध नहीं वो भी ले सकते हैं तो मर्जी आपकी। लेकिन एक कटोरी के साथ, ये उसी कटोरी से मैंने 1 कप चावल लिया है 1 कप पानी के साथ। थोड़ा सा मैंने नमक डालना है यहाँ पे, बिल्कुल 1 पिंच, राइट। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने डालना है इसमें, एक स्पून छोटा स्पून डालना है, टेबलस्पून नहीं, थोड़ा सा घी। और अब घी, ये मैंने अमूल का घी लिया है और थोड़ा सा ना मैंने एक स्पून ही ये मैंने दूध लेना है। इससे ना ये ऊपर का जो उसका आवरण है ना बहुत अच्छा होता है। बस 1 स्पून 1 टेबलस्पून हो जाएगा और इसको उबाला जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो चावल का आटा है ना इसमें हम लोग डाल देंगे और इसको ढक देते हैं। तो मैंने वो ढकने के बाद 10 मिनट हम लोग ढक के रखेंगे ये होने के बाद। और इसके साथ फिर उसको 10 मिनट ढक के रखा है मैंने, यहाँ देखिए सेम आटा बना के रखा है, लेकिन अभी मिलाना बाकी है। तो ये मैं हटा देती हूँ, आपको दिखाना था करके मैंने कर लिया है। ठीक है, ये मैं ये हटा देती हूँ और ये यहाँ पे बस ये प्रोसीजर याद रखना है आपने और ऐसे करना है। अब ये जो है ये आटा जो है मैंने ढक के रखा था खाली, देखिए कहीं गीला है कहीं थोड़ा सूखा है ना। और दूध, ये जो अमूल का दूध मैंने लिया है ना, इससे ना थोड़ा सॉफ्टनेस बहुत अच्छा आता है। तो ये अच्छे से मैंने हाथ धोए हैं। अब इसको हम लोग कोई भी एक कटोरी में या एक प्लेट में लेते हैं, जिससे हम लोग उसको अच्छे से ये मैं प्लेट में लेती हूँ। और ये 10 मिनट मैंने ढक के रखा था, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और उसमें भाप जो है ना वो उसके साथ वो स्टीम भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये चीज़ तो आपको हाथ से ही करनी है, जब भी हम खाना बनाते हैं तो ये सब चीज़ें हाथ धो के ही करते हैं। तो अगर कोई बिगनर बच्चे हैं जिनको गर्म लगे, तो वो कटोरी का पिछला हिस्सा रहता है ना, जैसे ये इस साइज से जैसे गर्म लगा तो आप कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं जो बिगनर्स बच्चे हैं, या फिर जो कोई जेंट्स पहली बार बना रहे तो वो भी ऐसे। मुझे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगता है वैसे, लेकिन ये आइडिया अच्छी है कि इससे आप कर सकते हैं, तो अच्छे से इसको मसल सकते हैं। अभी तो मैं हाथ से करूँगी और मैंने हाथ अच्छे से धोए हैं, तो
देखिए, अगर आपको पानी कम लगा ना तो आप थोड़ा थोड़ा ठंडे पानी में हाथ डुबा के इसको गल सकते हैं। और थोड़ा सा अच्छे से मैंने मल लिया है, थोड़ा सा तो भी देखिए मैंने 10 मिनट पहले कर लिया था, थोड़ा है गरम। ऐसे अगर आपको लग रहा है कि बहुत मतलब गरम है तो थोड़ा ठंडे पानी में आप हाथ ऐसे डुबा के इसको अच्छे से मसल लेना है। देखिए, और थोड़ा सा घी मैं अपने हाथ को भी लगा लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा चिपके नहीं। इसको एक्चुअली ये हाथ का हिस्सा है ना, इससे ऐसे करेंगे तो ये बहुत परफेक्ट बनता है। ये सब छोटी छोटी चीजें मैं दिखाना चाहती थी आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो ऊपर का आवरण है ना वही परफेक्ट नहीं बनता। तो ये चीजें याद रखेंगे तो आपके कभी ये, अब देखिए ये थोड़ा सा हाथों में घी भी लगाया और इसके छोटे छोटे मैं ऐसे बॉल बना के लेती हूँ। जिस साइज का भी आपको बनाना है, और ये उकड़ जो बोलते हैं ना हम लोग, इसको उकड़ बोलते हैं, तो ये आप करके भी रख सकते हो और खराब भी नहीं होती। तो देखिए ये मतलब जैसे शाम को बना के रखिए भाई, ये उकड़ रहती है अब ये दिनों में। और सावन महीने में सोमवार जैसे हम लोग उपवास छोड़ते तभी भी ये मीठी चीज, यानी ये फटाफट होने वाली है। सारण में कितने दिन उसका जो अंदर का हिस्सा है वो कितने टाइम भी, ये मैं अब लेती हूँ और हाथ धो के आती हूँ। हटा देती हूँ, और ये जो हमारा सारण है इसका जो स्टफिंग है वो मैं किसी कटोरी में या मिक्सी में निकाल के लेना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसमें से यहाँ निकाल लेती हूँ। रिंकू जी बोल रही है, हेलो। हेलो रिंकू जी, कैसी है आप? आप सब लोग मुझे आते हैं मेरे स्टेशन में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें खसखस डाली है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आप मेरे पास ना थोड़ा सा बादाम का चूरा था वो डाला है, लेकिन थोड़ा दलदल आने का तो मजा आएगा। आज मेरे पास चूरा था तो मैंने यही इसमें मिक्स कर दिया, और देखिए ये भी ठंडा हो गया है। अब क्या करना है, अब देखिए ये मेरे पास हल्दी वाला पत्ता है जो मेरे गार्डन से मैंने लिया है। हल्दी वाला पत्ता, हल्दी से ना एक बहुत प्रॉपर सुगंध आती है, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप मतलब इसमें भी केले का पत्ता भी ले सकते हैं। इसको मैंने दो हिस्सों में ऐसे काट लिया है, राइट, और अच्छे से धो लिया है। अब इसको ना थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, घी लगाएंगे, थोड़ा हाथ से ही लगाऊंगी क्योंकि ब्रश से ना बहुत ज्यादा उसी में ब्रश में लग जाता है, और जब हाथ धोते हैं हम लोग सब हाइजीन मतलब देखते हैं तो भाई हाथ यूज करने में कोई खराब बात नहीं है। और देखिए ये सिंपल लेडीज घर में हाथों का यूज करती है और साफ सुथरा। और देखिए ये मैंने दोनों इसमें घी लगाया है। अब क्या करना है, अब हमारे जो ये जो मेरा आटा है, ये देखिए आप, हमने ये जो आटा बनाया था इसका, इसको क्या करेंगे अच्छे से, देखिए अभी कितना सॉफ्ट हो गया है ना, इसको गोलाई में मैं रखूंगी। ये गोलाई में रख लेते हैं, और चलिए इस पे रख देते हैं। आसानी से मैं कर पाऊँ। एक पत्ता लेते हैं, इसमें ये जो आटा है इसको थोड़ा सा दबा देती हूँ किनारे इसके, और ये अपने आप फैलता है। अगर आपको लग रहा है ये फैलने में दिक्कत है तो पानी का हाथ लेना थोड़ा सा, और ये करना, देखिए कितने अपने आप ये फैला है आराम से। और इसकी जो लाइनिंग्स है ना, ये हल्दी का पत्ता जब भी हम लोग मतलब यूज करते तो एक अरोमा इतना सुंदर घर में फैल जाता है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगती है वो सुगंध से। सभी देवता याद आते हैं और हमारा पेट पूजा जो बहुत अच्छी होती है उसके कारण भी अच्छा लगता है। देखिए ये अच्छे से ये स्प्रेड कर दिया है,
जिसे आपको लगे आसानी से, एकदम आसानी से होता है। जैसे मोदक बनाना जितना फेमस है ना, वैसे ही इसकी सिस्टर बोल दो पातोड़ी, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने ये सारंग लेना है, हाथ से इसलिए ले रही हूँ कि थोड़ा गर्म है और थोड़ा मैं इसको दबाना चाहती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा गैदर करना चाहती हूँ। तो एक साइड में मैंने कम से कम 1.5 टेबल स्पून लिया है, यानी अच्छे से पेट पूजा हो जाए भाई। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब क्या करना है, ये जो पत्ता है ना साइड से बराबर इसमें लेके हम लोग इसको फोल्ड करके ऐसे रख लेते हैं। अब पत्ता हटा के भी देख सकते हैं कि बराबर बैठा कि नहीं। और ये जो सारण है, यानी इसका स्टफिंग है, इसको सारण बोलते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा ऐसे दबा सकते हैं। देखिए कितना परफेक्ट शेप, और ये थोड़ा सा इसमें शेप का इतना कुछ रहता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है भी जो भी चीज़ करे ना आँखों से खानी चाहिए, जैसे गुजिया, स्टीम गुजिया और हेल्दी गुजिया है ना। तो ये पातोड़ी मेरी फेवरेट खुद की, कई बार हम लोग मोदक में इतना टाइम नहीं रहता कि वो कलियां निकाल सके। ये देखिए ये मैंने किया है। अब इसको ऐसे ही रखिए आप, कोई मतलब ये नहीं कि इसको फोल्ड होके नहीं खुला रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं ये ढक्कन हटा देती हूँ और आराम से मैं थोड़ा सा ये ढक्कन हटा देती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं भाई। ये जो है थोड़ा स्लिपरी था वो मेरा, तो ये यहाँ पे मैंने रख दिया है। तब तक हम लोग इस पर ये रखेंगे बेलन, और अभी दूसरा लेती हूँ मैं, देखिए दूसरा। और कई बार क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से जैसे ना कट कट करके इसको गोलाई में भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। देखिए ये दूसरा, और कितना सॉफ्ट एकदम मस्त है। तो ये मैं दूसरी आइडिया देती हूँ कि इस पे ना एक, जिनको ऐसे नहीं फैलाना आता है वो थोड़ा कोई भी प्लास्टिक यहाँ पे लगा ले ऊपर से, और बेलन से भी बेल सकते हैं, या पूरी के इसमें भी ऊपर से प्लास्टिक लगा के कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम से अपने आप ही ये फैलता है, ये जैसे थोड़ा सा एज वाला हो जाता है ना, थोड़ा सा ऐसे पत्ते को दबाना चाहिए। ये जैसे ये चिपकता है कई बार, तो हाथ में थोड़ा सा पानी डाल लगा के, पानी में डुबा के हाथ, अपने आप ये हो जाएगा। थोड़ा सा पतला कर लीजिए, एकदम मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, भले ही हम लोग स्टीम करा रहे इसके, लेकिन फिर भी आराम से। यहाँ क्या है, मैं टेबल पे कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, जोर नहीं दे सकती, जैसे अभी मेरा स्लिप हो गया, पता है ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये मैंने फिर से 1 टेबल स्पून करीब ये मेरा मैंने इसमें लिया है इसका सारण, ठीक है। मुझे बोल रही है नाइस अरोमा। हाँ ये हल्दी के पत्ते का बहुत सुंदर अरोमा आता है और बहुत हेल्दी भी रहता है, हल्दी के बहुत सारे हम लोगों को पता है कितने फायदे हैं। देखिए ये आप थोड़ा सा पत्ता हटा के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि, लेकिन मुझे देखिए ये जो लाइनिंग आती है ना इसके ऊपर, ये बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसके साथ दबाती हूँ। ये बहुत अच्छी लगती है और इतना अच्छा अरोमा आना शुरू हो गया है। तो ये मैं अब ये मैं हमारे नैपकिन से उठाऊंगी, अब बेसने लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा टेबल मेरा जो है देखिए कितना परफेक्शन। अगर आपको लगता है ना थोड़ा सा और दबाना चाहिए तो आप कर सकते हैं। और ये देखिए लाइनिंग केले के पत्ते के, ये हल्दी के पत्ते के, और ये हल्दी के पत्ते का जो अरोमा है ना बहुत, आप ऐसे पत्ते पे रखा है तो इस टाइप के भी एक के ऊपर भी एक लग रख सकते हैं। तो इसको कम से कम 15 मिनट हम लोग देते हैं, लेकिन मैंने पहले से पानी गर्म कर लिया था तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हम थोड़ा सा इसको होने देते हैं। और आप नवरात्रि में क्या क्या देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा, और अभी नेक्स्ट वीक भी क्या देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि नवरात्रि में हम लोग बहुत सारा
मतलब प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो वो तो मैंने बहुत इन्हों की रेसिपी सबके लिए निकाली है, लेकिन उसके पहले एक हफ्ता और है, तो क्या देखना चाहते हैं प्लीज आप कमेंट कर लीजिए ताकि मैं कल वो फाइनल कर दूं। तो थैंक यू वेरी मच, और अभी ये होने देते हैं, आप सबका शुक्रिया, कमेंट आप करते रहिए। ये देखेंगे जो मैंने दिखाया था आपको, तब तक ये दिखा देती हूँ, ये भी मैं पूरा लेने वाली हूँ, इसमें जो चिपका है ना ऐसे, जैसे इसमें थाली में कुछ नहीं किया है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारा सेशन देखिए कितना अच्छा। इसके ऊपर जैसे ये केले के पत्ते के ऊपर ये रख दिया है, और ऊपर से प्लास्टिक रख दिया और बेलन से बेला ना, तो भी बहुत आसानी से, लेकिन ये आटा इतना अच्छा बनता है ना, देखिए आराम से फैलता है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं। लोग बहुत घबराते भाई महाराष्ट्र के बाहर के कि भाई ये मतलब होगा कि नहीं, टूटेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। देखिए हम लोग ये हाथ से भी कर रहे हैं तो कितना अच्छे से फैल रहा है। तो ये पातोड़ी जब भी आप घर में नारियल रहता है, गुड़ रहता है, हेल्दी है, ये देखिए कितने आराम से हाथ से भी हो गया। रिंकू जी बोल रही थैंक्स एंड थैंक्स अमूल, थैंक यू वेरी मच रिंकू जी। और अभी मैं निकाल रही हूँ, देख के जरूर जाइएगा, बस थोड़ा सा और भाप, क्योंकि मैंने गर्म पानी तो रखा था, लेकिन थोड़ी और स्टीम होना जरूरी है भाई, कच्चा नहीं रखना है। अगर आप पहली बार बना रहे तो 15 मिनट कम से कम रखी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक 5 मिनट और रखूंगी, क्योंकि पहले से मैंने इसको पानी उबाल के रखा था, तो टाइम इतना नहीं लगेगा। और आप भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी मतलब बनाते जाइएगा। ये देखिए ये मैंने छोटे छोटे बॉल एक जैसे बना के लिए है, और देखिए भाप ऐसे साइड से भी आ रहा है कितने अच्छे से, तो ये भाप में वो पक जाएगा, और जो अरोमा ये हल्दी का अरोमा बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, और इतनी सुगंध है ना, इससे बहुत पॉजिटिव लगता है, और ये सुगंध सही में कोई भी मेरे ख्याल से परफ्यूम हो या कोई भी अरोमा हो, ये इतना परफेक्ट अरोमा है, बहुत अच्छा लगता है खाने का। ये कुछ लगता है कुछ भगवान से रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर अरोमा, और वैसे भी सबको भाने वाला अरोमा, जैसे पूजा भी नहीं है तो भी बहुत अच्छा लगता है भाई। तो ये देखिए मैं ये निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें चकला बेलू चकला रखा था, तो थोड़ा आई थिंक थोड़ा होने का है, क्योंकि पत्ते भी थोड़े से होने के, एक 5 मिनट या 2-3 मिनट सिर्फ रहा देते हैं हम लोग। मैं गैस की फ्लेम बढ़ा देती हूँ। मिस्टर जरीवाला बोल रहे हैं आप अच्छा बना रही हो खाना। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जरीवाला, बहुत खुशी होती है आप लोग आते हैं और कमेंट करते हैं। मैं पिछले 5 साल से बना रही हूँ, अमूल के साथ जुड़ी हूँ, और कोविड में भी हफ्ते में 4 बार बनाती थी या 5 बार भी, अलग अलग पेज के लिए, मराठी पेज के लिए, आइसक्रीम पेज के लिए, या फिर हमारे हिंदी पेज के लिए, तो काफी काम मैंने अमूल के साथ किया है। आपको जरूर मिलेगा उनके पेज पे, या फिर फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। तो बहुत अच्छा लगता है इन 5 सालों का सफर देख के, इतनी सारी बड़ी मेरी फैमिली बन गई है, नए लोग आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ये जो भाप है ना, बहुत अच्छा अरोमा दे रही है, तो अभी फिर से मैं निकाल के देखती हूँ एक बार। मधु जी बोल रही है हेलो। हेलो मधु जी, कैसी है आप? और देखिए हाँ हाँ हाँ, ये हटाने के बाद जो सुगंध है ना, देखिए टीनेज बच्चे आप ऐसे मत निकालिए हाथ डाल के, लेकिन ये हो गया है, आप कम से कम 15 मिनट रखिए, मैं ये निकाल लेती हूँ। उससे निकाल लीजिए ताकि हमारे पाटोड़ी जो है इसमें निकले। और देखिए मैं दूसरा भी निकाल लेती हूँ। सुनने में इतना प्यारा आ रहा है ना, और गैस की फ्लेम मैं कम कर देती हूँ, और देखिए मैं आवाज बढ़ाना चाहती हूँ, कितना परफेक्ट और इतना अच्छा अरोमा के साथ, बहुत हेल्दी रेसिपी, और खाने के बाद तो इसमें जरूर आप, मैं थोड़ा सा इसमें निकाल लेती हूँ। हाँ ये
लाइनिंग देखिए इसके ऊपर की, मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो लाइनिंग दिख रही है ना, ये गर्मा गर्म स्टीम वाले ये बच्चों को मोदक से भी देखिए, ये भी देखिए कितनी अच्छी लाइनिंग, नजदीक से देख सकते हैं। वाओ इतनी अच्छी सुगंध। और इसके ऊपर हम लोग लेंगे मस्त देसी वाला हमारा अमूल का घी, और हमने अमूल का थोड़ा सा ये देखिए ये ऐसे डालना है। और ये मीठी चीज जब मीट नाइट सेशन में खाएंगे तो क्या कहना भाई। पूरे दिन की थकान या पूरे दिन का ट्रीट आपको मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर रेसिपी और बहुत अच्छी। हर बार हम लोग गुजिया तल के लेते हैं, बेक करते हैं, लेकिन ये भी आप बना के देखिए, ये भी आप बना के देखिए, फैन हो जाएंगे भाई, और बहुत आसान तरीके से। आशीष जी बोल रहे अमेजिंग अपर्णा मैम, हल्दी पत्ता इज वेरी हेल्दी, तमाले की जैसी टेस्टी बने। हाँ जी, हाँ जी आशीष जी, तमाले जैसे ही टेस्ट होता है। तमाले हम लोग उसी के हस्क में लेते हैं, कॉर्न के, और मैक्सिकन है, लेकिन ये स्वीट डिश हमारा हेल्दी मतलब इसके साथ है, हेल्दी हल्दी के पत्ते के साथ इसका अरोमा बहुत हेल्थ के जानते हैं बेनिफिट इसके, तो बहुत अच्छा लगता है। और तमाले मैंने बहुत बार दिखा है मैक्सिकन रेसिपी में, कौन की तो जरूर बताऊंगी, और भी कभी देखना है आप सबको तो जरूर कमेंट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, नमस्ते।